प्रथम राज्य स्तरीय अंतर आईटीआई खेल महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन भिलाई के मनसा निजी आईटीआई में किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के आईटीआई से लगभग 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और अपने खेल का जौहर दिखाते हुए पुरस्कार भी जीता है। कई कार्यों की शुरुआत किसी भी सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इन कार्यों की शुरुआत कुछ निजी लोगों द्वारा या निजी संस्थानों द्वारा किया जाता है। बाद में राज्य और केंद्र सरकारें इसे अपने अधीन कर लेती हैं। ऐसा ही एक कार्य भिलाई में स्थित मनसा निजी आईटीआई ने कर दिखाया है। मनसा निजी आईटीआई के संस्थापक स्वर्गीय श्री बीएस सक्सेना की स्मृति में पुरुष और महिला वर्ग के लिए 3 दिवसीय अंतर आईटीआई राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च तक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न खेलों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शतरंज, गोला फेंक, लंबी कूद और दौड़ भी शामिल है। इस अंतर राज्य प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर के विभिन्न आईटीआई से लगभग 500 खिलाड़ियों सहित अनेक प्रशिक्षक एवं उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शामिल होने वाले आईटीआई में सरकारी आईटीआई भी शामिल है। इस प्रतियोगिता में विशेष तौर पर आईटीआई में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के लिए भी खेल आयोजित किए गए हैं। मनसा आईटीआई प्रांगण के अंदर और बाहर चल रहे विभिन्न खेलों का अवलोकन करने शहर के गणमान्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मनसा आईटीआई प्रांगण के अंदर और बाहर चल रहे विभिन्न खेलों का अवलोकन करने शहर के गणमान्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मनसा आईटीआई में होने वाले इस अंतर राज्यीय आईटीआई खेल महोत्सव के लिए अन्य जिले से आए हुए खिलाड़ियों के लिए सर्व सुविधा युक्त वातावरण तैयार किया गया है, जिसमें उनके रहने और खाने की विशेष व्यवस्था मनसा आईटीआई प्रबंधन द्वारा कराई गई है। इस खेल प्रतियोगिता को लेकर अन्य जिलों से आए आईटीआई टीम के प्रशिक्षकों ने मनसा आईटीआई प्रबंधन की जमकर तारीफ की और ऐसे आयोजन और वृहद स्तर पर करने की मंशा जताई है। ये बहुत ही अच्छा काम है सर, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे आईटीआई में खेल हो रहा है, नहीं तो केवल प्रशिक्षण पर ही ध्यान दे दिया जाता था। इससे क्या है, बच्चे थोड़ा सा बोर भी हो जाते थे पढ़ाई करके, अब खेल है थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। तो मैं मनसा कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। स्पोर्ट्स इवेंट डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, मनसा ने ये कदम उठाया है, ये काबिले तारीफ है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना मानसिक बीमारी से आदमी बचेगा और अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएगा। आईटीआई के जो बच्चे हैं हमारे, वो बेसिक नीड है, मतलब किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का बेसिक नीड है। तो वो अगर रोबोस्ट एंड हेल्दी होगा तो इंडस्ट्री फ्लरिश होगा, बच्चा अपने आप को सर्वाइव करेगा। आईटीआई करके वो बेहतर नौकरी पा सकता है बनिस्बत बड़ी सी बड़ी डिग्री लेने के बजाय। क्यों? क्योंकि आईटीआई में शारीरिक दक्षता ही मायने रखती है। शारीरिक दक्षता के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स रहेगा तो शारीरिक रूप से दक्ष होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस तरीके से आईटीआई का जो हमारा स्टूडेंट है वो समाज में किसी इंडस्ट्री में जाके अपने आप को साबित करेगा, ये आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। इंजीनियर तो अपना खाली मैनेज करता है, लेकिन टावर में चढ़ने का काम हमारा बच्चा ही करता है आईटीआई का। मनसा आईटीआई से प्रिंसिपल मैडम स्मिता मैडम सक्सेना ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि ये बड़ा डेयर स्टेप लिया है इन्होंने। इस स्पोर्ट्स इवेंट में सफिशियंट फंड रिलीज करके बच्चों को एक अच्छा क्लाइमेट दिया है और 500 से ऊपर स्पोर्ट्समैन की गैदरिंग है यहाँ, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। हम बाकी सब दूसरे संचालकों को भी इनसे इंस्पायर होके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इन्हेंस करने का कोशिश करना चाहिए। मैं इनको इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ। वहीं मनसा आईटीआई प्रबंधन द्वारा आईटीआई के संस्थापक श्री बीएस सक्सेना जी की स्मृति में आयोजित किए गए प्रथम राज्य स्तरीय अंतर आईटीआई खेल महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में कुछ इस तरह की जानकारी दी गई है। आज का आयोजन 1 से 3 मार्च के बीच में राज्य स्तरीय अंतर आईटीआई खेल महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और मुख्य रूप से यह आयोजन हमारे सुरजी श्री बी एस सक्सेना साहब, उनका देहांत इसी वर्ष हुआ है और उन्होंने इस आईटीआई की स्थापना की थी, तो उनकी स्मृति में किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। पहली बार आईटीआई में इतने बड़े स्तर पे कोई खेल का प्रोग्राम हुआ है और लगभग पूरे स्टेट से 20 से 25 आईटीआई की टीमें लगभग आई हैं, जिनके रहने और खाने की व्यवस्था सब हम लोग के द्वारा की गई है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बच्चे भी खुश हैं। ऐसा उम्मीद है कि आगे भी ऐसा आयोजन चलता रहे और सबसे ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। सर, ये पूरा जो आयोजन है राज्य स्तर का किया जा रहा है, इस आयोजन को हम हमारे जो बड़े सर हैं लेट श्री बी एस सक्सेना
उनकी स्मृति में यह आयोजन 2023 हमने किया है। इसमें ग्रुप गेम्स और इंडिविजुअल गेम्स 8 प्रकार के गेम को रखा गया है। राज्य से 12 अलग अलग जिलों से लगभग 550 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है स्पोर्ट्स पर्सन है वो यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। आज ये दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का, 3 दिवसीय कार्यक्रम इसको आयोजन किया गया है। प्रोत्साहन की जहाँ तक बात करते हैं, वहाँ मुख्यतः हमने ये देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अभी कोविड वगैरह ये सब बीच में गुजरा है, काफ़ी कुछ खेल से दूर रहे हैं बच्चे लोग, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर सके और वो थोड़ा ट्रैवल मोड पे भी आए और स्पोर्ट्स पे भी आए। स्पोर्ट्स एक अलग लेवल का आजकल एजुकेशन में आ चुका है पूरी तरीके से, तो हम चाहते हैं कि निश्चित ही बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स का सीधा लाभ उठाए। ये एक ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कॉलेज मनसा कॉलेज के माध्यम से, और प्रबंधन का यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव काफ़ी कम वक्त रहते हुए लिया। और सारी जो टीमें हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और जितने भी लोग मनसा कॉलेज की तरफ से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों के सपोर्ट के माध्यम से हम ये एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किए हैं जहाँ बच्चों के ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हमने कर रखी हुई है। खेलों में अलग अलग ग्राउंड्स और जगहों का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी सारे प्रोफेशनल ऑफिशियल्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो बच्चों को निश्चित ही तौर पर, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के काफ़ी उनको एक योगदान मिलेगा जहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, निश्चित ही तौर पे ये मैं आपको आज बता सकता हूँ। आज हम 550 बच्चे यहाँ काफ़ी कम वक्त पे प्रयास पे किए हैं और अगले बार से तो मुझे लगता है कि ये तादाद बढ़ेगी और अगले बार से कोशिश ये रहेगी कि ये सिर्फ राज्य स्तर पे ना रहे, इस प्रोग्राम को हम राष्ट्रीय स्तर पे ज़रूर लेके जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। अमूमन देखा गया है कि लोग ITI तभी करते हैं जब उनके सर पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आती है और ऐसे में इस दौड़ में भागते भागते अपनी असल जिंदगी खो देते हैं। इसे देखते हुए मनसा ITI प्रबंधन के द्वारा किया गया यह प्रयास काबिले तारीफ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।